नमस्कार दोस्तों, अभी भी मध्य प्रदेश को लेकर एक रेड अलर्ट हाई अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो है इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना। दोस्तों एक एक करके मध्य प्रदेश के सभी जिलों की मौसम की जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं पर भी रहते ना तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ में इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करना बहुत ही जरूरी है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप भी भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, कटनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, सागर, निवाड़ी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, आगरा, मालवा, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, यानी कि इन मध्य प्रदेश के इन जिलों में से अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि इन जिलों में से आप कहां पर रहते हैं। जी हां दोस्तों, कमेंट करने पर जी आपको जो है आपके यहाँ की मौसम की जानकारी जो है मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आने वाले 24 घंटों से मध्य प्रदेश में जो है एमपी के 25 से ज्यादा जिलों में अगले 24 घंटों में बहुत ही ज्यादा जो है अहम है, क्योंकि दोस्तों मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के मुताबिक एमपी के 6 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। और जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है वहां पहले से ही जोरदार बारिश जो है हो रही है। और दोस्तों आपको बता दूं, पिछले 24 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश और पूर्वी एमपी में जो है मानसून प्रबल और पश्चिम हिस्से से सक्रिय रहा। मौसम विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश के जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा, भोपाल, होशंगाबाद संभागों के जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई और सबसे ज्यादा नरसिंहपुर में 30 सेंटीमीटर और दोस्तों जो है बेगमगंज में 19 और गैरतगंज में जो है 15, करेली और साथ में दोस्तों हरई और गाडरवाड़ा में और बनखेड़ी में जो है 14 mm सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लौजी, कोटेगांव और इटारसी और सोहागपुर में 12 सेंटीमीटर, बरेली, साजनपुर, बालाघाट और अमरकंठम और नियनगंज में काफी ज्यादा बारिश और निवास, शिवनी, परसवाड़ा, बबई और ग्यारसपुर और पिपरिया में भारी बारिश देखी गई। वहीं दोस्तों 6 जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद और बैतूल में अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही सागर संभाग के जिलों में कटनी, जबलपुर, मंडला, विदिशा, रायसेन, सीहोर, हरदा, धार, देवास और श्योपुर जिलों के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। इसके साथ ही भोपाल, राजगढ़, बुरहानपुर और खंडवा, खरगोन, उज्जैन, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया में गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। गौरतलब है कि भारी बारिश की वजह से एमपी में सभी नदियां उफान पर और सबसे बड़ी जो है डैमों के गेट को भी खोल दिया गया, यानी कि नदी के गेट है ना उनको भी खोल दिया है। और दोस्तों बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा एक कम दबाव का क्षेत्र जो है झारखंड और इसके आसपास के क्षेत्र पर पहुंच गया और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सिस्टम के जो है काफी ज्यादा दरमियान रात में उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना और इसके प्रभाव से जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा में भारी बारिश की संभावना है। और दोस्तों भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ जिले में अच्छी बरसात की उम्मीद है। वहीं बालाघाट, टीकमगढ़, दमोह, सागर में भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक दोस्तों मिली जानकारी के मुताबिक जो है मुलांजखंड, सीधी, सागर, रतना, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला और उमरिया, छिंदवाड़ा, गुना, पंचमढ़ी, नौगांव, खरगोन, भोपाल, होशंगाबाद और बैतूल में काफी ज्यादा एमएम में बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बताया जा रहा है कि दोस्तों जो है मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी भारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान खतरे भरे हुए हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो है मध्य प्रदेश के 4 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, बालाघाट, टीकमगढ़, दमोह, सागर में अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के 12 जिलों के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। उनमें 12 जिलों में रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में, 12 जिलों में कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, छतरपुर, पन्ना, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, जबकि राज्य के राजगढ़, साजापुर, गुना, अशोकनगर, चंबल संभाग के साथ ही सीहोर, भोपाल, हरदा, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगरा, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि लगातार बारिश के कारण मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा जगहों पर तो जो है नदियां उफान पर है और कई ऐसे जगह है जहां पर तो बाढ़ के जैसे हालात भी हो गए हैं। और कई दिनों से रुक रुक कर हो रही मध्य प्रदेश की जिंदगी बेपटरी पर कर दी गई है। कई जगहों पर भारी बारिश के चलते पानी भर गया और नदी नाले उफान पर है। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पर जो है सड़कों पर पानी भरा कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। इससे नदियां दोस्तों काफी ज्यादा जगहों पर जो उफान पर है। नर्मदा घाटी में भारी बारिश के चलते इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर में बांध की सहायक पानी छोड़ने के लिए गेट की संख्या बढ़ा दी गई और मौसम विभाग ने अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल, शिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। भोपाल स्थित मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक बताया गया कि कम दबाव के क्षेत्र का असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है और उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यह तस्वीर दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, काफी ज्यादा जगहों पर मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और अगले 24 से 48 घंटों में जो है मध्य प्रदेश के काफी ज्यादा जगहों पर भारी बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो है कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और शिवनी, मंडला, छतरपुर, पन्ना, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में शहडोल में हुई भारी बारिश, भोपाल सहित कई इलाकों में आज फिर भारी बरसात की चेतावनी।
जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। मध्य प्रदेश के जो है कई जगहों पर भारी बारिश होगी और आने वाले 24 से 48 घंटों में जो शेड्यूल में भारी बारिश होने के अनुमान है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम गहरा कम दबाव का क्षेत्र बनकर पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तट पर पहुंच गया है। यह सिस्टम उत्तर पश्चिमी जो है दिशा में आगे बढ़ेगा, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ तक पहुंचने की संभावना है। इस सिस्टम के प्रभाव से दोस्तों मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश की गतिविधि शुरू होने वाली है और दोस्तों बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा जगहों पर मध्य प्रदेश में भारी से भारी बारिश होगी। और मौसम विभाग ने जारी अलर्ट में कहा कि इन जिलों में भारी बारिश होगी मध्य प्रदेश के, और दोस्तों एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों में हल्की बारिश दर्ज की गई और आशंका जताई गई है कि मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के जबलपुर, सीधी, ग्वालियर, सागर, उमरिया और मलाखंड में सहित कुछ स्थानों पर भारी बरसात दर्ज की जा सकती है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर आज से 24 घंटों के दौरान जो है भारी बरसात होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों जो है रीवा संभाग के आने वाले जिलों में अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में कहीं कहीं पर भारी बरसात की संभावना, राज्य के अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और भोपाल स्थित मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो है बालाघाट मौसम विभाग में काफी ज्यादा जगहों पर आज भारी बारिश होगी और रुक रुक कर तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना और बारिश की तीव्रता काफी ज्यादा अधिक रहने के अनुमान है और अगले 24 से 48 घंटों में भी भारी बारिश के संकेत जताए जा रहे हैं। और मध्य मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में भी एक मानसून जो है द्रोणी का सक्रिय है और इसी वजह से दोस्तों काफी ज्यादा जगहों पर मौसम में भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। और बताया जा रहा है दोस्तों देश के कई राज्यों में मौसम बदलेगा, जिसमें मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो छिटपुट के साथ भारी बारिश होगी और एमपी के 35 से ज्यादा जिलों में अगले 24 से 48 घंटों काफी ज्यादा बारिश होने के अनुमान। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुमान के मुताबिक 6 जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश अलर्ट है और जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है वहां पहले से ही जोरदार बारिश हो रही है। और मौसम विभाग का मानना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश एमपी में भारी मौसम में बदलाव देखा गया है और मौसम विभाग ने कहा कि जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा, भोपाल, होशंगाबाद संभाग के जिलों में भारी बरसात होने वाली है। सबसे ज्यादा नरसिंहपुर में भारी बारिश होगी और बेगमगंज में और गैरतगंज में, करेली में, हरई में और गाडरवाड़ा में, बनखेड़ी में, लॉजी में, कोटेगांव में, इटारसी, सोहागपुर में और बरेली, साजापुर, बालाघाट, अमरकंटम और नैनगंज में और निवास, सिवनी, पासवाड़ा, बबई, ग्यारसपुर में और पिपरिया में काफी ज्यादा बारिश होगी। और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद और बैतूल में अत्यधिक भारी बरसात होने के अनुमान है। इसके साथ ही सागर संभाग के जिलों में कटनी, जबलपुर, मंडला, विदिशा, रायसेन, सीहोर, हरदा, धार, देवास और श्योपुर जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। इसके साथ ही भोपाल के साथ दोस्तों राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया में गरज चमक के साथ बारिश होगी। यानी कि मध्य प्रदेश के सभी नदियां उफान पर और सबसे बड़े जो है डैमों के गेट को भी खोल दिया गया है और मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों में भारी से भारी बारिश होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। और दोस्तों इसके प्रभाव से जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा में भी भारी बरसात की संभावना है और दोस्तों अगले 24 घंटों में भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ जिले में भारी बरसात की उम्मीद जताई जा रही है और बालाघाट, टीकमगढ़, दमोह, सागर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के मिली मुताबिक जानकारी दोस्तों जो है सीधी, सागर, सतना, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, उमरिया, छिंदवाड़ा, गुना, पंचमढ़ी, नौगांव, खरगोन, भोपाल, होशंगाबाद और बैतूल में भारी से भारी बारिश जो है होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का मध्य प्रदेश का मौसमी सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव, शहर में रहते कमेंट करके जरूर बताना।